नमस्कार दोस्तों, आसपी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिवाली के बारे में, और आज की इस वीडियो में खास मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली से पहले आपको अपने घर से किन चीज़ों को निकाल कर फेंक देना चाहिए, वरना आपके घर में अलक्ष्मी का वास हो सकता है और लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिवाली का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है और जिसकी तैयारी अधिकतर घरों में चल रही होगी, और साल में यही एक पर्व होता है जिसमें पूरे घर की साफ सफाई होती है। और माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी घर आती हैं और इसीलिए पूरे घर की सफाई की जाती है जिससे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें रख लेते हैं कि आने वाले समय में काम आएगी, और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें आपको घर से तुरंत हटा देना चाहिए। सबसे पहला, घर में किसी भी जगह कोना टूटा हुआ हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, और वास्तु के हिसाब से घर में टूटा हुआ शीशा होने से दोष लगता है और ऐसे में उस घर में रहने वाले लोगों को जीवन में बुरा असर पड़ता है, और इसीलिए दिवाली से पहले आपको टूटा हुआ शीशा हटा देना चाहिए। दूसरा, कई लोगों की आदत होती है कि ख़राब हो चुकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे कि पंखा ग्राइंडर टीवी आदि को रख लेते हैं कि भविष्य में किसी न किसी दिन काम आ जाएगी। लेकिन बता दें कि ख़राब चीज़ों को घर में रखने से वास्तु दोष बढ़ता है और तरक्की पर बुरा असर भी पड़ता है, और इसीलिए अगर आपके पास घर में कोई ऐसी ख़राब चीज़ पड़ी हो तो उसकी मरम्मत करा लें या फिर उसे हटा दें। तीसरा, पूजा के स्थान में कभी भी टूटी हुई भगवान की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से मूर्तियां रखने से फल के बदले अधिक नुकसान होता है, और इसीलिए दिवाली से पहले इसे सम्मान के साथ बहते जल में प्रवाहित कर दें और नई मूर्तियों को दिवाली के पर्व में ले आएं। पांचवा, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत से ज़रूर सफाई करनी चाहिए, क्योंकि छत गंदगी होने पर उस पर रहने वाले सदस्य हमेशा बीमार रहते हैं, और इसीलिए दिवाली से पहले छत की सफाई करने के साथ कबाड़ भी फेंक देना चाहिए। छठा और आखिरी, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद घड़ी किस्मत को भी बंद कर देती है, और इसीलिए घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, और बंद घड़ी की या तो मरम्मत करा लें या फिर दिवाली से उसे हटा दें। तो ये थे 6 सामान जो आपको अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आपकी तरक्की रुक सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, साथ ही साथ हमारे शॉर्ट वीडियो को भी सपोर्ट करिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार और अपना ध्यान रखें।